ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। सत्ता का नशा लोगों पर ऐसे चढ़ के बोलता है कि शायद उससे ज्यादा नशीली कोई भी चीज ना हो। गौरव सोलंकी ने एक कहानी लिखी जिसमें हाल ही के दिनों में, मतलब कुछ 2-3 साल की घटनाओं को ले लिया जाए, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है उसमें होने वाले प्रोटेस्ट हैं, सत्ता से स्टूडेंट्स का टकराव है, फार्मर प्रोटेस्ट हैं, एक विशेष तरीके के सरनेम वाले लड़कों को किस तरीके से सत्ता जो है अपने औजारों से परेशान कर सकती है, उन सब कहानियों को लेके उन्होंने एक स्क्रीन प्ले, मतलब एक कहानी लिखी और उसका एक जबरदस्त स्क्रीन प्ले बुना गया। यूनिवर्सिटी है, फिक्शनल यूनिवर्सिटी जिसका नाम था विवेकानंद यूनिवर्सिटी, नाम शॉर्ट में उसको लिया है उन्होंने VNU, तो जो बिल्कुल ही JNU की तरह साउंड करता हुआ नजर आता है कि VNU JNU की बहन है। तो VNU मतलब विवेकानंदा, ये पहले तो एक ही नाम था विवेकानंद, अब उनको भी उन्होंने विवेक और नंद दो नाम में तोड़ दिया है, तो मतलब किसी महापुरुष के नाम के साथ इतनी ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए हमें। VU भी कर देते तो समझ आता है क्या दिक्कत है, विवेकानंद यूनिवर्सिटी या कुछ और ले सकते थे जो JNU जैसे साउंड करता। चलिए कोई बात नहीं, तो छोटी सी बात है तो चलता रहता है। तो VNU जो कि JNU जैसी लग रही है, वहां पे स्टूडेंट मूवमेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के अपने कंसर्न हैं, फार्मर्स को उनको हक दिलाना है, मजदूरों को हक दिलाना है, आजादी का बहुत ज्यादा गौरव सोलंकी ने ध्यान रखा है कि किस तरीके से आजादी चाहिए, जैसे कि हमें जात पात से आजादी चाहिए, हमें मनुवादी जो चीजें उनसे आजादी चाहिए, हमें सत्ता से आजादी चाहिए, आजाद देश में अपने लिए आजादी चाहिए, तो मतलब उनकी आजादी के बहुत सारे मायने हैं। और उसके साथ इस कहानी को लेके उन्होंने एक बड़े प्रदेश की जो परिकल्पना की वो इस तरीके से थी कि जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से चलेगी, मतलब एक बड़ी कहानी जिसमें सैफ अली खान है और डिंपल कपाड़िया है और उनके साथ नजर आते हैं हमें गौहर खान है या फिर सुनील ग्रोवर है, तो बहुत सारे किरदार उस बड़ी लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसी के साथ छोटी लड़ाई हमारी VNU कैंपस में चल रही है। तांडव जिस वेब सीरीज की हम चर्चा आपसे कर रहे हैं उसको डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने, मुख्य भूमिकाओं में आपको नजर आएंगे सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया, कुमुद मिश्रा, डीनू मौर्या, अनूप सैनी, गौहर खान, कृतिका कामरा, मोहम्मद ईशान अयूब और संध्या मुदुल जैसे कलाकार, मतलब बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट है। टोटल 9 एपिसोड है इस कहानी में, जिसका पहला एपिसोड है तानाशाह, आखिरी एपिसोड है खेल। 28 मिनट से लेकर 38 मिनट तक की लंबाई के अलग अलग एपिसोड हैं। कई बार कोई एपिसोड जो है फ्रेश प्लॉट के साथ खुलता है, कई बार कोई एपिसोड जो ऐसा है वो पुरानी वाली कहानी को ही आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। तो गौरव सोलंकी ने जिस कहानी को पटकथा में निर्माण किया और अली अब्बास जफर ने जिस तरीके से उसको डील किया उस पर तो चर्चा होती ही रहेगी, इतना लंबा समय हमारे पास पड़ा ही है। बात करते हैं 9 एपिसोड्स की, तो क्या हुआ जो VNU है हमारी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है किस तरीके से वो करवटें ले रही है और दूसरे लेवल पे नेशनल पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से बदल रही है। 2 बार का सिटिंग प्रधानमंत्री अपने तीसरे टर्म के लिए लगभग लगभग तैयार है और तभी उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनका पुत्र समर सिंह, यानी कि जिसको वो क्या सैफ प्ले कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा लाइकेबल हो सकता था उस पोस्ट के लिए, बट वो पोस्ट उन्हें न मिलके अनुराधा किशोर यानी को डिंपल कपाड़िया को मिल जाती है। तो एक्टिंग की हम बात करें तो सैफ अली खान जो इससे पहले बहुत अच्छी भूमिकाएं लगातार देते चले आ रहे थे, जैसे उन्होंने तानाजी में काम किया, सेक्रेड गेम्स में काम किया, या उनका प्रसिद्ध किरदार जो उनका लंगड़ा त्यागी वाला किरदार था ओमकारा में, उन सबके बाद ये उनका बहुत ही हल्का किरदार है एक्टिंग की दृष्टि से। मतलब जिस जिस खास पकड़ को सैफ अभी लेके चल रहे थे, जो पकड़ बना लेते हैं कैरेक्टर के ऊपर वो हावी हो जाते हैं, वो या तो मतलब किसी वजह से वो उतना, मतलब एक्टिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है बट वो किरदार उतना अपील नहीं करता है। डिंपल कपाड़िया दूसरे एंड पे बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं और उसी काम के लिए, जिस काम के लिए वो जानी जाती है, बखूबी परफॉर्म किया, एक बड़े स्टार का आके, एक बड़े एक्टर का आके वेब सीरीज में परफॉर्म करना, वो भी इस लेवल के एक्टर आके, तो उससे क्या हुआ वेब सीरीज का कद और ज्यादा बढ़ जाता है, उनके जितने भी सीन्स आते हैं वो बहुत ग्रेस दिखता है उनपे, बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छे तरीके से अपने डायलॉग्स देती है और बहुत ही ज्यादा मजा आता है मोबाइल स्क्रीन पर उनको देखने में, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। बात करते हैं बाकी किरदारों की, तो मोहम्मद जिशान का जो किरदार है वो बहुत फायर ब्रांड लीडर है, अभी उसने किसानों के प्रोटेस्ट में संभाला, लोगों को वहां से अपने फ्रेंड्स को बचाया जो एक खास करने वाले फ्रेंड होते हैं, और दिखाया गया कि बड़ा आसान है, मतलब पुलिस या जो शासन है
वो बड़ी आसानी से लोगों को टैग कर सकता है कि फला फला आदमी आतंकवादी है। अगर प्रक्रिया इतनी सिंपल है तो वास्तव में डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। बट बाकी आप लोग ऑडियंस से समझना है, आप लोग खुद ही जज करेंगे किस हिसाब से चीजें चल रही है। आजादी में जोर हो ही चुका था। गौहर खान का अच्छा सबसे अच्छा किरदार किसका लगा? संध्या मुद्गल जी का किरदार छोटा था बट मुझे बहुत पसंद आया। इससे पहले मैंने उनका किरदार देखा था गुलाल फिल्म में, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत किरदार था उनका। गौहर खान का किरदार बहुत अच्छा है। इससे पहले रॉकेट सिंह में उनका एक बड़ा ही किरदार था, बट यहाँ छोटा बट अपने किरदार को वो जमाती हुई नजर आती है। तो रॉकेट सिंह जिसमें वो रणबीर कपूर के साथ थी, उसके बाद वो इशक यादव फिल्म आई थी जिसमें पंडित चोपड़ा और अर्जुन कपूर थे, उस फिल्म में भी उनका अच्छा एक गाने में काम था और थोड़ा सा उनका एक्टिंग में वहाँ भी गया। तो गौहर का काम अच्छा हुआ, संध्या मुद्गल का काम अच्छा हुआ, कृतिका कामरा का भी काम बहुत अच्छा हुआ। सना मीर के किरदार में वो अपनी जो कहानी है उसको लेके चल रहे हैं। मतलब तांडव एक बड़ी कहानी है, इसके साथ छोटी छोटी कहानियों के सब प्लॉट्स भी हैं, अलग अलग किरदारों की अपनी अपनी कहानियाँ भी हैं। अनूप सोनी का किरदार भी अलग तरीके से अच्छा है, कुमुद मिश्रा का किरदार भी अच्छा है। दिग्मांशु धूलिया दो एपिसोड्स में है और बाद में छोटी छोटी भूमिकाओं में आते रहते हैं, उनका किरदार बड़ा ही गजब है। तो लग रहा है कि वो गैंग्स ऑफ वसेपुर से कहीं आगे बढ़ रहा है, सेम वो पॉलिटिशियन का रॉबिला किरदार उन्होंने वहां पे प्ले किया। अब बात करते हैं कि तांडव को देखने के बाद किसको सबसे ज्यादा बुरा लगा होगा। हालांकि ये मेरी इमेजिनेशन है बट हाँ, तांडव को देखने के बाद सबसे ज्यादा बुरा लगा कपिल शर्मा को। सुनील ग्रोवर ने मजेदार काम किया, ही इज माई ऑल टाइम फेवरेट। मैंने उनको सामने से परफॉर्म करते हुए देखा है और वो सिगरेट पी के जिस तरीके से उन्होंने शांति के साथ काम किया, सीरीज चलाने का लोड उनके ऊपर था नहीं, तो मतलब वो एक कैरेक्टर के तौर पे बहुत ज़्यादा ग्रो किया। उनको देखना बहुत मज़ेदार आया। उनके हिस्से में मुझे लग रहा था बहुत कम डायलॉग है, बट जिन एपिसोड में ज़्यादा डायलॉग बोल रहे थे मुझे लग रहा था कि हाँ मामला हिल रहा है। जहाँ जहाँ उन्होंने कम डायलॉग बोले हैं वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं वो। उनका और उनकी बिल्ली का रिलेशन और जो गुरुजी उनके टीवी पे आते हैं प्रवचन देते हैं, वो तीनों आदमी एक ही दिशा में लग रहा था, एक ही लाइन में चलते हुए नजर आ रहे हैं। पाप पुण्य का ज्ञान इस सीरीज में अगर सबसे ज्यादा कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है, सबसे ज्यादा इस पूरी की पूरी कहानी को घुमा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा एक पॉइंट पे आके वो सुनील ग्रोवर का किरदार गुरपाल ही है और उन्हें देखना सबसे ज्यादा मजेदार भी लगता है। मेरे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कहानी में विलन कौन है, क्योंकि अपने अपने लेवल पे हर एक आदमी विलन जैसा प्रतीत होता है। कभी लगता है कि सैफ का जो किरदार समर है वो विलन है, कभी लगता है अनुराधा विलन है, कभी अनूप सोनी का किरदार विलन लगता है, कभी लगता है कि कुमुद मिश्रा विलन है, एब्सोल्युटली। लेकिन जो सबसे खराब काम कर रहा है सीरीज में, यानी कि जो गुरपाल का किरदार है, वो कहीं से भी विलन जैसा नहीं लगता है। वो वही कर रहा है जिस काम के लिए वो बना है। फाइनली म्यूजिक की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो जूलियस पैकिंस का म्यूजिक है और काफी अच्छा म्यूजिक है, सस्पेंस पैदा करता है, डर पैदा करता है, उदासी सी लेके आता है। और एआर रहमान का एक गाना अडॉप्ट किया गया है जो आपकी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसके लिए। तो सत्ता के इस खेल में ये पहला सीजन था जहाँ पे कहानी खत्म होती है, वो बिल्कुल पलट चुकी है जहाँ से शुरू हुई थी। इसका सीजन 2 भी आएगा, इसको अगर ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला, जो कि मिल ही जाएगा क्योंकि इंडिया में वेब सीरीज को नॉर्मली लोग अभी पकड़ ही रहे हैं। कुछ भी नया आ रहा है उसको लोग पकड़ लेते हैं आसानी से, उसको देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। जैसे आश्रम पार्ट 1 आया था उसका पार्ट 2 भी आया, फिर सीजन 1 है तो उसका सीजन 2 भी आएगा, सक्सेस रहा तो सीजन 3, 4, 5 भी आ सकता है। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत कोई बड़ा किरदार खत्म हो गया हो कि मिर्जापुर टाइप की विक्रांत मैसी मर गए और उसके बाद दिव्येंदु मर गए, तो ऐसा इसमें कुछ हुआ नहीं। सारे बड़े कलाकार जिंदा है और किरदार जिंदा है और अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। जिस मोड पे सीजन खत्म होता है वहां पे ऐसा मतलब बहुत ज्यादा मन नहीं कर रहा है कि इसका सीजन 2 आए। मतलब ठीक है, देख लिया है, पता चल गया कि अच्छा अब ये होगा और इसके बाद ये कहानी आएगी। कहानी के लेवल पे थोड़ा सा निराश करता हुआ नजर आता है तांडव। एक्टिंग के लेवल पे तांडव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्क्रीन प्ले सामान्य से बेहतर था, म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छा था। सुनील ग्रोवर का काम, गौहर खान का काम, संध्या मुद्गल का काम बहुत ज्यादा पसंद आया। डीवी मौर्या की भूमिका बिल्कुल ही अनिवार्य नहीं थी। अनूप सोनी के हिस्से में बहुत काम आता है। कुमुद मिश्रा अच्छी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही बियर्ड तरीके से हंसते हैं। सैफ ने ठीक एक्टिंग की है और डिम्पल कपाड़िया ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग का प्रदर्शन किया। अली अब्बास जफर ने जिस तरीके की सीरीज या जिस तरीके की फिल्म पहले बनाते आ रहे थे उसे थोड़ा सा अलग काम किया, बट तांडव कन्विंस नहीं करता। अब शिकायत तांडव से क्या है, तांडव ने बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठाए जिनके बारे में मेनस्ट्रीम मीडिया में खूब चर्चा होती है बट उसको रिजॉल्व करने की बात नहीं होती। लाइक टेररिज्म और एक पर्टिकुलर सरनेम
जो लास्ट नेम हो उसको लेके जो चर्चा हो रही है वो, और टेररिज्म को इतना सिंपली दिखाया गया, एट्रोसिटीज दिखाई गई है फार्मर्स पे किस तरीके से, और रिलेवेंट भी है सरकार और फार्मर्स के बीच में जिस तरीके का अभी चल रहा है टशल, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी आने के बाद सरकारें किस तरीके से भागी हो जाती है, वो सारी बातें ठीक थी, एक लाइन में समझ के खिलाफ रही। डीना मौर्य का किरदार एक संध्या मुदगल को एक बोलता है लाइन कि जब कोई छोटी जात का आदमी किसी बड़ी जात की औरत के साथ बिस्तर पे होता है, मतलब आता है संबंधों में, तो वो बदला ले रहा है उन सारे अत्याचारों का जो पीढ़ियों से उनके साथ हुई। मैं इस लाइन से सहमत नहीं हूँ, ठीक है पहली बात। दोबारा यही लाइन संध्या मृदुल के किरदार से कहलवाई जाती है अनूप सोनी के किरदार के लिए, सेम लाइन इसी तरीके से चिपका दी जाती है, मतलब ये बड़ा ही बचकाना है। आपके पास कोई ऐसा रेफरेंस हो, आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल हो कि जहाँ किसी पर्टिकुलर जात, किसी पर्टिकुलर धर्म और किसी पर्टिकुलर संप्रदाय समुदाय के आदमी ने किसी दूसरी औरत के लिए ऐसा किया है, तो आपको जरूर 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 आजादी है ये लाइन बोलने की। आप एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि आप समाज की केवल गंदगी दिखा रहे हो कि नहीं समाज गंदा है और किसी पर्टिकुलर जात या संप्रदाय का आदमी दूसरों के साथ ऐसा ही करेगा, ऑलरेडी इतनी ज्यादा टेंशन चल रही है हमारे आसपास, ठीक है। अब लोगों को थोड़ा सा डिवाइड कर रही है सीरीज, अगर ये वास्तव में सच्चाई है ऐसा हो रहा है, हाँ टेररिस्ट और टेररिज्म वाला जो ये टैग लगाया जाता है इस पर काफी हद तक सच्चाई है, बट ये जो जात वाली जो बात जिस तरीके से बोली ये बहुत ही ज्यादा बुलशिट बात है। मेकर्स को और जो राइटर है उनको एक बार इसके ऊपर बैठ के सोचना चाहिए था, और वो कोई ऐसा एग्जाम्पल जो रियल लाइफ से है उसको प्रस्तुत करके दिखाएं कि किसी आदमी ने जो छोटी जात का हो और फील किया हो कि जब वो किसी बड़ी जात की औरत के साथ सेक्स करता है तो उसको लगता है कि ही हैज बिकम पावरफुल। सही तांडव औसत से ऊपर और अच्छी वेब सीरीज है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, थोड़ी लंबी हो गई उसके लिए मैं चाहता हूँ माफी, और हमारी अगली कहानी तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गुड बाय।